महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज ने समालखा हरियाणा समागम सेवा शुभारंभ करते हुए फरमाया, सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज यहाँ सत्संग का जो ये रूप नज़र आ रहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यह मैदान भी छोटा पड़ जाएगा। आज समागम सेवा के आरंभ के अवसर पर इतना उत्साह देखकर लगता है कि इस समागम का रूप बहुत सुंदर होगा। हम सबको पता है कि सीमाएं आरंभ हो गई हैं। हम सब ने ज़्यादा से ज़्यादा तन मन और धन से सेवा में योगदान देना है। हम तन से भी खुद को स्वस्थ रखें और मन में भी नेक भाव रखें। अगर हमारे तन या मन के कारण जीवन में अभाव या परेशानी है तो किसी भी ब्रह्मज्ञानी संत के चरणों में सिर रखकर निरंकार का अंश देखते हुए अरदास करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। निरंकार हम सब के अंदर है और इसका दर्शन हम सब एक में करें। सबका समय कीमती है, फिर भी सेवादार महात्मा अपना पल पल सेवा के लिए ही समर्पित करते हैं। चाहे वो सुबह जल्दी सेवा पर आने की बात हो या फिर सत्संग के उपरांत सब कुछ समेट कर जाने की बात, सत्संग का हिस्सा बनना भी सेवा का ही एक रूप है। समागम के अवसर पर अनेक प्रकार की सेवाएं हैं, चाहे वो बैक स्टेज, लाइटों, ट्रैफिक नियंत्रण, मंच संचालन, वक्ता, गीतकार और कवि के रूप में हों। इतने सालों से यह भी देखा जा रहा है कि समागम के अवसर पर सर्दियों के दिन होते हैं, फिर भी ठंड की कोई परवाह न करते हुए बाल सेवा दल के संत भी कभी कभी देर रात को सेवा करते हुए नजर आते हैं। उनके माता पिता भी निश्चिंत होते हैं क्योंकि बच्चा सेवा कर रहा है, सत्संग रूपी माँ के लिए ही यह सेवा हो रही है, तो वो भी बेफिक्र होते हैं। जब हम सब में निरंकार का ही दर्शन करके सेवा करते हैं तभी सेवा का लाभ मिलता है। फिर चाहे कितनी भी लंबी लाइनों में हमें खड़ा होना पड़े, हम किसी के साथ गलत व्यवहार या धक्का मुक्की ना करते हुए अनुशासन से समागम का हिस्सा बनते हैं। कई महात्मा सेवा दल से जिद करते हैं कि उन्हें आगे जाने दिया जाए और मनमानी करते हुए इतना तक भी कह देते हैं कि हम तो इसी रास्ते से जाएंगे। इस प्रकार से मर्यादा का उल्लंघन करना गुरसिक को शोभा नहीं देता। सत्संग में बैठकर फोन का प्रयोग करना या फोटोवाद खींचना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम सत्संग करने आए हैं और उस वक्त हमारा ध्यान सत्संग के अलावा कहीं और नहीं जाना चाहिए। अनुशासन में रहते हुए हमें अपने आप को रिफॉर्म बदलाव करना पड़ेगा ताकि सत्संग का रूप सुंदर बना रहे। ध्यान रखें कि हमारे कारण किसी का भी आनंद खराब ना हो। निरंकार सब पर ऐसी कृपा बनाए रखे कि सभी तन मन धन से संपन्न रहें। सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए अपनी नीयत को नेक और साफ रखते हुए हर रूप में सेवा करते चले जाएं। सात संगत जी धन निरंकार जी।